बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चोको पाई की एक ऐसी रेसिपी बताने लगी हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। ओरिजिनल कैसे होती है, हम बाज़ार से लेते हैं, ये बहुत महंगे पाई हमें मिलती है, लेकिन इसका हमें आपको घर पर बताती हूँ। कम इंग्रेडिएंट्स में आपको जो है ना बेहतरीन किस्म की वो चोको पाई मिल जाएगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 50 ग्राम, ये मेरे पास बटर है। उसके अलावा ये कंडेंस मिल्क है 2 चमचे खाने के। दो चमचों के बराबर ये शक्कर है, इसको मैंने पीस ली, ये डलेगी। इसको अब हम अच्छी तरह मिला लेंगे। बटर आप लोगों के पास मेल्टेड हो ताकि आसानी के साथ जो है ये मेल्ट हो जाए, इसमें सब चीज़ें। अब देखें, एक चमचे के बराबर मैंने वनीला एसेंस लिया है और समझ लें पाव चमचे के बराबर चाय के ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है। ये दोनों चीज़ें इसमें जाएंगी। एक पिंच नमक मैंने लिया है और एक चाय का चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। अब इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद ये मैंने एक कप के बराबर मैदा है, ये डलेगा इसमें। ये मिलाने के बाद ये दूध है, ये हम ग्रेजुअली डालेंगे इसमें, तकरीबन ये 3 से 4 चम्मचों के बराबर डलेगा। आप लोगों के पास बटर मिल्क हो वो यूज़ कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखें, ये इसका मैंने डो बना रही है। इस डो की जो है आपको ऐसे ही रखना है कि ये आटे की तरह गूंधे भी नहीं, और जो है हम केक जो बनाते हैं उससे थोड़ा थिक आप इसका अमेज़ा रखिएगा। ये समझ लें, जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई है तो तकरीबन इसमें 6 से 7 चमचे जो है खाने के वो इसमें दूध के गए हैं, तो ये इस शेप में जो है ना आ गई है कि ये आराम से गिर भी रहे ऐसे हो, ये नहीं कि बिल्कुल एकदम से तेज़ी से। इसको थोड़ा गिरने में जो टाइम लगे, और ये भी जो है ना हो कि बहुत ज़्यादा ये थिक हो जाए जैसे हम आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इस तरह आपने नहीं करना, वरना हमारे असल में ये बनते हैं बिस्किट टाइप के, जो केक होते हैं ना ये बिस्किट केक कहलाते हैं। पहले हम इसका ही बनाएंगे, बड़े पेशेंस का काम है, 1 बाय 1 इसके स्टेप को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आप अपने घर में बहुत अच्छे से ये बना लेंगे। अब मैं इसमें इसको भर दूंगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट इसका स्टेप बताती हूँ। देखें, जितनी देर में मैंने ये सब अमेज़ा बनाया था उस वक्त मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए, इसको मैंने प्री हीट कर लिया है और ये इसमें ऑयल लगा लिया। इसके ऊपर हम अपने बिस्किट केक बनाएंगे। देखें, ये मैंने ऐसे इसके रिंग जो है ना बना लिए अपनी इस वाली बॉटल की मदद से। आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा ये ऐसे, तो क्योंकि इसकी गोलाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी बननी। पाइपिंग बैग जो है ना वरना लीजिएगा। अब ये जो मैंने प्री हीट करने रखा हुआ है अपनी कढ़ाई को, अब हम इसमें इसको रख देंगे
और मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे। जब तक ये होता है हम इतने अपना सेकंड स्टेप इसका करें जो कि बहुत ख़ास है, उसको आप बहुत अच्छे से समझ के कीजिएगा। देखें मैंने जेलेटिन पाउडर लिया है, ये एक चम्मच है खाने का, ये हम डालेंगे इसमें। फिर हम 3 चम्मचे गर्म पानी के देंगे। ये नीम गरम पानी है। अब हम इसको अच्छे से इसमें मिला देंगे। देखें मैंने 1 कप ये चीनी लिया है और इसका हाफ मैंने पानी का लिया है, ये हम डाल देंगे इसमें। अब हम इसको डिसॉल्व करेंगे। देखें मैंने शक्कर का पानी बना लिया, अब ये थोड़ा बड़ा ठंडा हो जाएगा, नीम गरम जब रहेगा तो हम इसमें ग्रेजबेरी जो है, जो मैंने वो पेस्ट बनाया था जेलेटिन पाउडर का, वो हम डालते हुए इसको बीट करेंगे। इतनी देखें 10 मिनट हो गए, मेरे ये केक भी रेडी हो गए हैं, बिस्किट केक। अब हम इनकॉर करना, देखें इसमें मैंने ये डाला है, ये बिल्कुल सही आ रही है स्टिक इसकी, कोई चिपका हुआ नहीं आ रहा। अब हम इसको निकाल लेंगे। शक्कर जो मैंने डाली थी अब वो डिसॉल्व होना शुरू हो गई। अब हम इसमें आधा लेमन डाल देंगे और हमें इसको इस तरह चेक करना होगा, कोई ठंडा पानी लेकर ना इसके 1-2 ड्रॉप हम डालेंगे, फिर हम देखेंगे अगर ये सही मार्शमेलो की तरह बन रहा है तो फिर हम इसको उसमें उतार लेंगे, बंद कर देंगे फ्लेम अपना। ये देख रहे हैं आप, ये ठंडे पानी में हमें इसका एक्सपेरिमेंट ऐसे ही करना पड़ेगा। देखें ये जो मैंने बनाया था मार्शमेलो, ये इस पर मैं लगा रही हूँ, जो मैंने बिस्किट केक बनाए थे उनके ऊपर। अब ये हम इसको ऐसे रख देंगे, फिर अब हम इसको चॉकलेट में ऐसे बना बना कर रखते रहेंगे। अगर हम बीच में ऐसे जेली भी रखना चाहें तो हम वो भी रख सकते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त मेरा मार्शमेलो बना है। लोग समझते हैं चॉकलेट होती है, चॉकलेट कुछ भी नहीं होती उसमें। चले जी हमारे मज़ेदार से चोको पाई तैयार हो गए। ये ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर गार्निशिंग की, वो मैंने करके लेकिन आप लोगों को दिखाया है।
इसका एक और मैं आपको तरीक़ा बता देती हूँ। जैसे हम मार्शमेलो इसमें डाल रहे हैं, उसके साथ अगर आप बीच में जेली भी रख दें और फिर इस तरह वो करें, दो तीन इसके तरीक़े होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी जो भी करना चाहें। मैंने इसमें सिर्फ मार्शमेलो अंदर डाली हुई, ऊपर से कुकिंग चॉकलेट से इसको कवर करके। अभी ये एक्चुअली गर्म है, अब मैं अभी ठंडे जो है ना ये नहीं हुआ, वरना मैं आपको इसको तोड़ के भी जो है ना दिखाती। इंशाल्लाह आपके भी ऐसे ही बनेंगे चोको पाई, जैसे चोको पाई होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सूरत में आप मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।